सती भगवान शंकर से पूछी थी, भोलेनाथ ये तो बताओ कि मनुष्य बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, दिल से कथा में जाकर बैठता है या कथा करवाता है, उसकी चित्तवृत्ति मन कथा में चले जाता है, पर थोड़ी देर कथा में लगते लगते मन फिर विचलित हो जाता है, फिर कथा में लगते लगते मन फिर विचलित हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो भगवान शंकर ने सती से कहा था, सती जब मनुष्य कथा में पहुंचता है तो ये उसके सात पीढ़ियों का प्रारब्ध पुण्य इकट्ठा होता है, तब वो कथा में पहुंच तो जाता है, पर जब व्यक्ति का समय के अनुसार जो पाप कर्म होता है, जो उसने झूठ बोला, कपट करा, प्रपंच करा, बेईमानी करी, परिवार को पालने के लिए, कुटुंब को संभालने के लिए, जो दुकान पर बैठकर एक का दो करा, सर्विस में, नौकरी में झूठ प्रपंच करा, तो इसका जो पाप है वो कथा के बीच में आड़े आते जाता है, तो इसका मन वहां से विचलित होता चले जाता, चित्त चले जाता, मन डोल जाता। महाराज उस चित्त वृत्ति को अगर कोई रोक सकता है, उस चित्त वृत्ति को यदि कोई संभाल सकता है, तो वो शिव है।